और तीसरा वाला शुभम गोयल का, ये बोल रहे कि बोहिमिया पाजी और हाजी स्प्रिंगर के साथ आपका कोई गाना आएगा फ्यूचर? हमने एक गाना बनाया था बोहिमिया हाजी के साथ, लेकिन फिर वो मैं बिजी हो गया। हमने एक गाना सिंग इज प्लेइंग के लिए भी बनाना था, दिस सिंग इज सो स्टाइलिश, ये उसके लिए बनाना था, इक्के ने लिखा था, लेकिन उसके बाद फिर वो एमटीवी में आ गया गाना। और एक गाना बोहिमिया जी का आया था पीछे ही के अजकल लम्मी चेना पाते मुंडे रैपर्स कहलाते मुंडे मापे आखण राजे वे तू केड़ी राते पाते मुंडे, और असी हाफ हाफ गाया सिगा, बट फिर वह भी रिलीज नहीं होया। फिर मैं इधर आ गया, वो कैलिफोर्निया आंदे आ, फिर मेरी फिर डील नहीं बनी है ना, तो तीन चार बार स्टार्ट किया बट होया नहीं, टाइम नहीं मैच होया। सो आई होप के इन फ्यूचर मैं भी फ्रिस्को रहना, हेवर्ड और बोहिमिया पाजी उत्थे नेड़े रहिंदे आ, हाट जी भी साडे नेड़े रहिंदा, इट्स लाइक दो दो घंटे की ड्राइव आ साडे घर दी एक दूजे तो दूर। दो बार असीं इकट्ठे होए आ पर गाना हले बनिया नहीं, भाई इस बार गाना जरूर बनेगा, चलो होप सो। मान करना जेहड़े बोहिमिया दे फैन्स आ उन्हां नूं सारयां नूं मेरे नूं प्यार, ते डेफिनेटली कोई गाना बनेगा तो तुसीं सुणोगे। मैं भी नहीं चाहुंदा कि सुन के कहण कि इहदे नाल उहदा नाम ही बणाउंदे, बने तां वधिया बने, इस करके रोकिया। बहुत सारे लोगों का सवाल थे मेरे लिए कि बोहिमिया पाजी के साथ आपका नेक्स्ट सॉन्ग कब आएगा यार? बोहिमिया पाजी के साथ नेक्स्ट सॉन्ग अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि पाजी अपने काम में बिजी हैं, उनके रिलीज हो रहे हैं गाने काफी सारे अभी, तो मेरा अपने गाने रिलीज हो रहे हैं, बट जब आएगा तो फिर जैसे रियल आर्टिस्ट मिलते हैं ना वैसे होगा सिस्टम। जैसे पहले हमने पटोला करा था तो वो सच्ची में एक कलाकारी थी, उसमें गायकी थी, उसमें रैप था, उसमें सब कुछ था और उसमें लोगों का प्यार था, है ना। जब हम अब करेंगे गाना तो पर जब पाजी की मर्जी होगी, क्योंकि पाजी बड़े हैं, पाजी मेरे लिए फैमिली है ना, तो मैं नहीं कह सकता पाजी को पाजी और सुबह अच्छा सुबह उठूँ पाजी गाना करे, वो पाजी की मर्जी है। जब पाजी का दिल करेगा पाजी बोलेंगे भाई गुरु गाना करते हैं, तो मैं बोलूंगा पाजी ये गाने हैं मैंने बनाए हुए, जो आपको पसंद है आप उठा लो कर देते हैं, तो ये जब पाजी बोलेंगे। गुलाबी दिता बोहिमिया ने, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैनू चाहिदा सी एक हिप हॉप प्रोड्यूसर जिहदा कि बहुत स्ट्रोंग बेस है हिप हॉप विच, सो मैनू लगा नहीं कि बोहिमिया तो वधिया गुलाबी नू म्यूजिक कोई दे सकदा सी। सो उहदे विच एक गाना है अकल, जिहदी बीट असी स्टूडियो 'च बैठे सी, ते बोहिमिया वॉज प्लेइंग सम बीट्स, ते मैनू एक बीट ते मेरा दिल ही आ गया, ते बड़ी गंदी जी, बड़ी स्लो जी, बड़ी हिप हॉप टाइप बीट सीगी, ते मैनू लगा कि अकल उहदे ते बिल्कुल फिट बैठेगा, ते गाना एवें है। हुण तक तेरियां मैं जरियां बथेरियां, गल्लां मेरे बारे भी तू करियां बथेरियां, समा आया कदे रड़कां जरूर कड्डूंगी, तैनू चंगी तरह यकल सिखा के छड़ूंगी। सो आ मेरा गाना अकल, ते इस टाइम मैं इस गाने नू सब तों ज़्यादा सुन रही हाँ। ए मेरे लिए सब तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम, क्योंकि बहुत टाइम लग गया मैं इतने पहुँचने। गुलाबी मैं इंडिया लैके आई हाँ, एक मेजर लेबल नाल मैं साइंड हाँ, सोनी म्यूजिक, बोहिमिया ने म्यूजिक दिता है, लाली गेल जी मेरे सोंग राइटर ने, अद्धे सोंग्स उन्होंने लिखे ने, अद्धे सोंग्स मैं लिखे ने गुलाबी विच, ते जे ए लोग मेरी लाइफ ठीक टाइम से ना मैनू मिलते तो मैं इतने ना आज होंगी, तो मैं दिलों थैंक यू कहना चाहवागी सारा। एक और कलाकार जो आपने बहुत दूर तो चल के आया हो, रिंटा ताली। अच्छा उसने नाम थोड़ी देर बैठा, उस मुलाकात के बीच उस शख्स ने दसिया कि मैं रैप किवें शुरू किया। क्योंकि गोरे रैप सुनते नहीं सी, क्योंकि वह कालिया का सी, फिर बोहिमिया ने जो पाकिस्तान के पैदा होया अपनी मिठी शायरी के नाल उसनु बड़े स्टाइलिश अंदाज के नाल लोगों के बीच पेश किया, कि उस एवर ए पैदी गोरे भी सुनते हैं। Thank you.
और खासकर कि पंजाबी दे विच शुरू कीता। सब तो वड्डी बात, पंजाबी नूं मान दिता, इज्जत दिती और सारी शायरी कीती। एवें नहीं बकवास नहीं, ताली तरह बोहिमिया दे नाल बोहिमिया पाजी का अभी सॉन्ग आता टूर, मित्रों की टूर जी, तो उसमें आपने लिखा है हैप्पी राइड बुड्डी। हाँ, उन्होंने लिखा है, मैंने डीपी भाई का एक वर्स लिखा था उसमें। हाँ, उसमें एक वर्स मैंने लिखा था डीपी भाई का। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस मतलब? मैं गया था एक बार डीपी भाई के घर, गया था उनसे मिलने के लिए, और पाजी को मैं मिला। पाजी ने मेरे को एक गाना सुनाया था, ये कहते हैं कि ये गाना आ रहा है मेरा भूमिया पाजी के साथ, तो यार इसमें मेरे को कुछ लाइनें चाहिए ऐसी सी। मेरे दिमाग में कुछ था पहले से ही, मैंने सुनाई भाई ने कहा पास, डन हो गया। आपको पता है कि भूमिया पाजी इसको रैप करेंगे? हाँ, मुझे पता था, मैंने सुना था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा पाजी यार ये सुनो, यार भूमिया भाई यार रैप कर रहे हैं, उन्होंने लिए छोटा सा यार कहीं रोल मिल जाए उनके साथ काम करने के लिए, बहुत बड़ी चीज है। ये तो आपने लिखा उनके लिए, फ्यूचर पॉसिबल है कि भूमिया पाजी यार इक्का एक साथ? चलो यार, ऊपर वाला मालिक अगर ठीक है, सब उसके हाथ में है, टाइम अगर करवाए तो यार उससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। अगर भूमिया पाजी के साथ कभी मेरा गाना हुआ तो सबसे बड़ा मेरे लिए जिंदगी का गाना होगा। आप खुद बोलते हो अपने गाने में सपने में बोला था कि भूमिया पाजी की एल्बम? मैं यार बहुत फैन था यार, मैं सही दिल से बताऊं, पैसा नशा प्यार मेरे लिए यार ऐसी एल्बम है कि मैं बहुत फैन था उस एल्बम। मैं सही बताऊं भूमिया भाई को मैं बहुत सुना यार, सीरियसली मैंने बहुत सुना। अरे देखो पाजी, जैसे आपका फैन आपके सामने बताया कि रोने लग गया, ये भूमिया पाजी को पहली बार जब आप मिले वो आपके अंदर था वो फैन बॉय? हाँ था। क्या 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 हुआ था? कुछ नहीं, बस ऐसे देखता रह गया तो भाई को। अच्छा। मैंने कहा यार मैं सच्ची, मैंने कहा सामने खड़े हैं, मैं टच कर सकता हूँ यार, मैं हाथ में लाया, मैं तो माना ही नहीं भाई पहले। हाँ। ना नहीं धुआं भाई गायब बोले सपना यार। हाँ। नहीं यार शेट, बट मिला अच्छा लगा यार, थोड़ा और इंस्पायर हुआ और पुश मिला कि यार लेट्स डू इट, अब करना है, क्योंकि भाई को सामने देखा खड़ा, बहुत पावर मिली उनसे मेरे को, जो मेरे को अपने अंदर महसूस हुई कि भाई ने करा तो कोशिश करूंगा तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत सही बात है भाई, कोशिश करोगे तो हर बंदा ये कुछ ना कुछ लाइफ में। रेफिक्स आपने शेयर किया था, उसमें लाइन लिखी थी आपने, देसी हिप हॉप किसी के बाप की जानी नहीं, तो गाने में ही है। हाँ। उसके अलावा कुछ स्माइली दे दिया करके, ऐसा कुछ स्माइली भी थी, तो लोगों ने उसका भी मतलब स्माइली मतलब ऐसे अच्छा किस भी मतलब लोगों ने ऐसा सोचा कि मेरे को लाइन बड़ी सही लगी। और वो अगर आप ये सोच रहे हो कि भूमिया पाजी के लिए था, ऐसा नहीं है, बट कुछ उन लोगों के लिए था जो ये सोचते हैं कि मतलब देसी हिप हॉप एक पर्टिकुलर बंदे के जॉनर है। एक फैक्ट है जो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ, देसी हिप हॉप जो भी है वो भूमिया पाजी की वजह से है। yes. इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर ये कोई कहे कि देसी हिप हॉप में ये नहीं है वो नहीं, एक पायनियर होता है ना वो पाजी भूमिया पाजी, और रिस्पेक्ट इस चीज की है कि वो गाना आया था सुबह होने में, उसमें उनका रैप था। वो चाहते तो वो सब कर सकते थे कमर्शियल, लेकिन उन्होंने किया नहीं, वो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, और मुझे पता है कि वो करना कितना मुश्किल है, मतलब प्रॉपर हिप हॉप करना और प्रॉपर वही करना हार्ड वर्क। और फैंस हैं, मतलब ऑब्वियसली फैंस हैं, और लोग कहते हैं पाजी ने तुम्हें ये बोल दिया था स्टेज पे, मोटे मोटे रैपर तेज रैपर, ठीक है वो हिप हॉप है यार, वो कल्चर है। मुझे पता है पाजी मुझसे कैसे मिलते हैं, मैं उनसे कैसे मिलता हूँ, इसी ऑफिस में हम पहली बार मिले थे, मुझे पता है प्यार है, मुझे पता है उनकी आंखों में मेरे लिए है कि हाँ यार ये लड़का ठीक है, और मुझे पता है मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट है। तो वो कल्चर है रैपर्स को कॉल आउट करना स्टेज पे, दैट इज द कल्चर। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मारना चाहते हैं या मुझे कुछ करना चाहते हैं या मुझसे उनको कोई प्रॉब्लम है, वो दैट इज द वे दैट आर्टिस्ट इज, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और ये भी नहीं है कि मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके फैन जो इतने बेवकूफ नहीं है कि मैं लोग सोच रहा हूँ कि मैं उनके फैंस के लिए अपना अच्छा, मेरे पास मेरे फैन हैं सब बढ़ रहे हैं, और इतने बेवकूफ लोग भी नहीं है कि वो मेरी ऐसी चीज सुन के, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और स्कल एंड बोन्स आ रही है उनकी एल्बम, सब आई थिंक पूरा सीन एक्साइटेड है क्योंकि पाजी ये एल्बम आ रही है, द गाय हु स्टार्टेड दिस एंड सारा कुछ खुद प्रोड्यूस किया उन्होंने। फिर एक बार स्नूप डॉग के साथ ऐसे ही रैपिंग कर ली थी, बस यही। हाँ,
बोहिमिया के साथ? हाँ बोहिमिया के साथ। ओ बेटे याद है, सारी चीजें याद रखती है। इन गोवा आई वांटेड अ वेरी चिल लेड बैक बोहिमियन फील टू इट, सो ही सेड या ऑफ कोर्स वी विल डू इट एंड वी वेंट एंड यू नो गो विद इट। सो शी पुट द लुक टुगेदर, देयर इज वन बोहिमियन, देयर इज वन वेरी हिप हॉप वेरी कूल डांस लुक इन द सॉन्ग एज वेल। सो एंड आई लव माय ब्रदर, यंगर ब्रदर बोहिमिया, the great follower of Tupac, the real rapper, the bomb of all Punjabi rappers, one and only Bohemia. I hope to see you soon, maybe tonight. या ये ऐसे मतलब जैसे अभी एक फैन मोमेंट हुआ सर, आपके साथ तो ऐसे होते रहते होंगे ऑकवर्ड फैन मोमेंट्स, कुछ आप बताएं। मेरे साथ भी होते हैं बोहिमिया सर के साथ, जब मैं आता हूँ स्पेशली व्हेन वी आर ऑन ए शो और एन इवेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, शो में आ गए हम पहले देख लेते हैं कौन सी एंट्री से आना तरीके से पहुंच जाते हैं, जब शो से बाहर निकलना होता है ना भाई, मुझे नहीं पता बोहिमिया सर के बाद किसी और का भी शो होगा वहां पे, कोई और आर्टिस्ट भी होगा, बट जब बोहिमिया सर निकल गया ना वहां पे, आधी क्राउड गाड़ी मोटरसाइकिलों के पीछे मैसेज आ रहे हैं, राधिका सिंह का मैसेज आ रहा है, बोहिमिया के साथ भी एक सॉन्ग करो प्लीज, बोहिमिया दे नाल भी बाई नाल भी करांगे भाई जान, साडे वो बहुत दिल दे अजीज ने, सोना नाल भी जरूर गाना करांगे जी। सुखमन चेंज कर दिया, एक टाइम था इंडिया में जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर आके परफॉर्म करते थे, इंग्लिश में सारे वो गाने गा रहे हैं, रैप कर रहे हैं, किसी के समझ नहीं आ रहा है, फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप पंजाबी रैप लेकर आए, तो भाई ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे क्लिक किया ये बताओ? पंजाबी रैप मैं नहीं लेकर आया, पंजाबी रैप मुझसे लाने वाले बहुत आर्टिस्ट थे, बोहिमिया है अमेरिका से आर्टिस्ट, वो पंजाबी रैप करते बोहिमिया। मैं बचपन तो फैन हां, 10वीं 11वीं तो ना, 9 to 5, 13, 7 दिन कम वीरा गोरा साहब करे तेरे नक विच दम वीरा, नाले तू गुलामिया दी जिंदगी तो तंग वीरा, तेरे कल्ले दी नहीं सारियां दी जंग वीरा। सो बोहिमिया नूं मैं बचपन तो फॉलो करदा इक फैन वांगू, मेरे लेफ्ट बांह ते टैटू तां करा बोहिमिया दे लेफ्ट बांह ते टैटू, ओनूं उवें फॉलो करदा। सो आई वुड लव टू वर्क विद बोहिमिया, बोहिमिया मेरे इज वन ऑफ दोज बिगेस्ट फैंस, मैं बोहिमिया दा फैन हां, ते जिहदे नाल कम करना चाहूंगा उस लीग में, फिर बहुत आर्टिस्ट आ जाएंगे, पर बोहिमिया दा और बचपन वाला क्रेजी फैन है। ओके, और ऐसे थानू कोई एक लगता है कि जो बोहिमिया दी वीडियो तुसी कर सकते हो? कोई भी मैडम, बोहिमिया दा गाना कोई भी नहीं भी आउंदी, सिख के आऊंगा ते बनाऊंगा बोहिमिया दा। कोई कुड़ी दे पीछे किसे सुपर हिट हो गया अखिया, बोहिमिया पाजी है, नया कक्कड़ है, टोनी भाई है, तो ये गाना बना कैसे, बोहिमिया पाजी कैसे जुड़े ये बताओ? एक्चुअली जो अखिया है वो इनिशियली मेरा सोलो डेब्यू होने, मतलब सोलो सॉन्ग होने वाला था, पंजाबी सॉन्ग। तो जैसे मैंने नेहा को प्ले किया, नेहा वाज लाइक नो, दिस इज लाइक समथिंग विच आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड फिर उसके बाद बोहिमिया पाजी, मेरा एक फ्रेंड है कुवैत में, तो उसके थ्रू मैं बोहिमिया पाजी को जानता था, तो फिर नेहा ऑल्सो मेट बोहिमिया पाजी समवेयर, so she was like Tony I want to collaborate with Bohemia Baji and song kaun sa hoga, chalo song dekhte hain kaun sa hai bank mein nikalo, to phir Neha ko song Neha ne sunai hua tha, to she said no I want that song, and phir jab humne record kiya to phir वो ऐसा साउंड करने लगा कि वो बना ही नेहा के लिए था, मेरे लिए तो था ही नहीं, ऑफ कोर्स ही साउंडिंग सो गुड इन अखिया, ही साउंडिंग सो गुड, मतलब बड़े भाई आप वो मनमानी इनकी चलती है, मनमानी इनकी चलती है, छोटे उनकी चलनी चाहिए ना, पैम्पर्ड होते हैं ना। तो बोहिमिया पाजी जी, इनको कैसे लेकर आए आप, जैसे आपने बताया कि कुवैत में आपके फ्रेंड थे, उनके थ्रू कॉन्टेक्ट में आए, फिर वो पाजी एकदम से, मतलब क्योंकि वो एक्चुअली आई थिंक जब नेहा आपकी बात हुई थी तो ही वॉज लाइक कि हाँ करते हैं कुछ, पर ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। Actually, ये जो फीलिंग थी वो म्यूचुअल थी, इवन ही वॉन्टेड टू वर्क विद अस, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू वर्क विद हिम, तो दोनों की वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और हमने काम कर दिया साथ में। तो गाना इतना सुपर हिट हो गया, हम लोग दबा के प्ले कर रहे हैं जी। पाजी दी इमेज पता कि मतलब यार रहन दो ना बुलाओ इन्हें लड़ पेना, मतलब बहुत लोगों की इमेज बनी हुई है ना, पर तुझे तो बहुत काम किया है, मतलब उन्होंने बारे कुछ कहना चाहो? बोहिमिया बहुत वधिया बंदा जी, सो मैनू तो ऐ लगता के
ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰੈਪਰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਡ ਹੈ ਸੋ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫੜੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੋ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰ ਟੌਰ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਹੈ ਬੜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ